हाय दोस्तों, सब भाई को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन विद अमर में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक नया एलिगेशन के बारे में जो हम अभी कर रहे हैं। ये एक कलम है दोस्तों, हम प्रोवाइड जो किए हैं। ये आपका पुराना घर था, हम लोग 2 फीट इसको तोड़ दिए हैं। इस कलम से दूसरा कलम का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो लगभग 4 फीट का है, और जो कि पुराना घर था हम लोग तोड़े हैं इसको 2 फीट, इसलिए पूरा लंबा से एक कॉन्सिल बीम हम लोग डाले हैं दोस्तों। और यहाँ एक 3 ठो डिज़ाइन बनेगा जो कि पूरा सेकंड फ्लोर को टॉस करेगा, इसलिए हम इसको बांधेंगे अभी। ये देखो पहला वाला बांध लिए हैं। इसका थिकनेस रहेगा 2 इंच और वाइड रहेगा 10 इंच, और ये पूरा एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर को टच करेगा दोस्तों। इसका एक पहले वाला से दोस्तों दूसरा वाला का डिस्टेंस जो रहेगा आपका 1 फीट का रहेगा, ताकि हम लोग अंदर में प्लास्टर भी कर सकें और उसका सही ढंग से डिज़ाइन भी दूर से अच्छा दिखे, इसलिए हम पहले वाला बांध दिए हैं और ये हम दूसरा वाला बांध रहे हैं दोस्तों। ये देख लो आप, ताकि ये देखो हम इसको 10 इंची में ही 9 इंची में बांधेंगे, ताकि आपका प्लास्टर के बाद इसका वाइड 10 इंच हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों कि सही ढंग से 90 डिग्री में रहना चाहिए, ताकि इसका पूरा लोड कलम में आके गिरे, नहीं तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा तो उसका जो आपका डिज़ाइन है उसका ऊपर ही लोड पड़ जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको पूरा 90 डिग्री में अभी से रखने के लिए। ये देखो इसको सही ढंग से बांधेंगे और सपोर्ट देंगे डालने से पहले, ताकि 90 डिग्री में रहे। और इसका डिस्टेंस भी हम लोग सही ढंग से करेंगे, 3 इंच बाय 3 इंच। तो मैं बता दूं, जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूं। मैं टॉपिक में फिर से आ जाता हूं दोस्तों। तो इसको 90 डिग्री में बांधना बहुत ज़रूरी है, इसलिए देखो हम लोग सपोर्ट दे दिए हैं, ताकि आप ये आगे पीछे साइड वाइड कुछ नहीं होगा। इसको भी हम बांधेंगे दोस्तों 9 इंच में। तो चलो इसको भी बांधते हैं। ये रहा सपोर्ट। एक से दूसरा जो भी रेडी करेंगे दोस्तों आपका 13 इंच रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिनिशिंग के बाद आपका 12 इंच का आ जाएगा, इसलिए हम इसको 13 इंच में रेडी करेंगे। ये देखो 13 इंच में मार्किंग कर रहे हैं, ये हो गया। इसका वाइड जो है दोस्तों हम लोग 9 इंच रखेंगे, 3 इंच बाय 3 इंच करेंगे, 3 3 6 3 9 का हो जाएगा। दूसरा खत्म हो गया, तीसरा हम अभी रेडी करेंगे। हाँ हो गया। इसको अल्टरनेट देंगे दोस्तों, ताकि लोड जो है
डिवाइडेड हो जाए। ये देखो आपका 3 ठो रेडी हो गया 90 डिग्री में। ये हम ढाल दिए हैं दोस्तों, कल जो आपको दिखाया था ये रेडी हो गया है। और रेडी होने के बाद ये देखो हमने पानी डाला है उसका ऊपर, ये 3 ठो डिज़ाइन जो दिखाया था।